हेलो दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आज का ये वीडियो दोस्तों, ओल्ड सीआरटी मॉनिटर या पिक्चर ट्यूब है और इस पर एक नया किट दोस्तों, मेरे पास एक नया किट है। ये नया किट कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। या ये नया किट इंस्टॉल करने का समय जो जो प्रॉब्लम दिखा जाता है और जो जो सेटिंग आपको करना पड़ेगा ये टोटली आपको क्लियर करके देखाऊंगा। फर्स्ट दोस्तों देख लीजिए, ये जो पिक्चर ट्यूब है ये सीआरटी मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, ठीक है दोस्तों। और नॉर्मल जो टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है वो भी, उसका कॉयल भी, जो ये कॉयल वो अलग होता है, ये एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ये देख लीजिए, इसका जो पुराना पीसीबी में ये निकल के रखा है, ठीक है। ये इसका जो सेंसर पैनल सब कुछ, और देखिए ये पिक्चर ट्यूब जो सीआरटी मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब होता है, इस पर जो ये कॉयल होता है दोस्तों, आप देख सकते हो ये कॉयल के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड दिखाया जाता है, ठीक है। और नॉर्मल जो टीवी का मॉनिटर, टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है उसके ऊपर जो कॉयल होता है वो कॉयल का इस टाइप कॉयल होता है दोस्तों, आप देख सकते हो इसके ऊपर कोई पीसीबी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा करके देख लीजिए और ये समझ लीजिए, ओके। तो ये इस टाइप जिस पिक्चर ट्यूब पर ये कॉइल है वो ट्यूब पर कोई भी नया बोर्ड इंस्टॉल करेगा तो आसानी से वो हो जाएगा, लेकिन जब ये सीआरटी मॉनिटर का जो ये कॉइल जिस पर यूज़ है, तब तो देख सकते हो बहुत कुछ पिन है, ठीक है। तो ये कॉइल जिस पीसीबी पर, जिस ट्यूब पर है, ये इंस्टॉल करने का समय बहुत कुछ आपको सेटिंग करना होता है, तो ठीक है। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर देगा। फर्स्ट आप देख लीजिए, ये जो हॉरिजेंटल कॉइल का वायर, पुल वाला कॉयल, ये मैं सबको ओपन कर देगा। और ये देखिए ये वर्टिकल का जो वायर, ये वर्टिकल का जो वायर, ये मैं सबको ओपन करने के बाद, मैं नया वायर लगाने के बाद आपको एक बार देखूंगा। और दोस्तों न्यू पीसीबी के साथ कौन कौन सामान मिलता है आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूरा एक नया किट है, इस पर एक नया रिमोट मिलेगा, और ये देखिए इस पर एसी क्वाड है, एक सेंसर बोर्ड है, पैनल बोर्ड है, और ए भी टू जैक का एक कनेक्शन इसके साथ मिलेगा, और पावर कॉर्ड के साथ पावर स्विच भी मिलेगा, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेक्शन कॉइल कनेक्शन के लिए इस तरह एक वायर मिलेगा, और स्पीकर कनेक्शन के लिए दो वायर मिलेगा, ठीक है। यही इसके साथ मिलता है तो ठीक है। और ये देखिए मार्केट चाइना चेसिस, देखिए दोस्तों ये वेस्टर्न कंपनी का है, तो मार्केट पर बहुत कुछ कंपनी का चेसिस है, ठीक है। और इस पर जो जो आईसी यूज़ होता है, 8895 ई पीसी पर आईसी यूज़ है, और अलग अलग आईसी भी मार्केट चेसिस पर मिलता है, लेकिन लगभग सेम ही इसका जो सिस्टम होता है सेम तरह काम करता है। तो दोस्तों ये 1010 का एक ESD है, तो ये मैं ये वायर कनेक्शन करने के बाद आपको फिर भी दिखाता हूँ। और एक बात दोस्तों ये देखिए, ये पिक्चर ट्यूब का जो पिन, ये सोलो नेक वाला पिन है, लेकिन दोस्तों अधिक मार्केट पर कंप्यूटर मॉनिटर का जो ट्यूब होता है ये अधिक बिग नेक वाला, बड़ा नेक वाला मिलता है दोस्तों। बड़ा नेक वाला का पिन अलग है और ये स्मॉल नेक वाला पिन, इसलिए आप देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातों पिन है, ठीक है दोस्तों, और बीच में फोकस पिन है, टोटल 8 पिन है, ओके। लेकिन दोस्तों मार्केट से मैं न्यू बोर्ड लेके आया, ये पीसीबी का जो जो बेस बोर्ड का बेस, ये बिग नेक वाला पिन है, अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और मिडिल वाला एक 10 पिन होता है। तो दोस्तों ये पीसीबी पर लगाने के लिए ये बेस को चेंज करना पड़ेगा, एक स्मॉल बेस मैं लगाऊंगा, लगाने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बिग नेक वाला बेस का कनेक्शन है, और इस पर ये देखिए जो नीचे वाला ड्राइंग, इस पर मैं स्मॉल नेक वाला बेस लगा सकता हूँ,
ठीक है, मैं थोड़ा सा वायरिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये हॉरिजेंटल का जो योक कनेक्शन में ये क्या है, ये मैं हॉरिजेंटल का रेड वायर और ये ब्लू वायर आप देख सकते हो। ये जो जैक होता है, ये जैक का ये ऊपर वाला मिडिल वाला जो ब्लू वायर और ये अलग रेड वायर देखा जाता है, ये दो वायर में हॉरिजेंटल के साथ कनेक्शन किया और वर्टिकल जिस पोजीशन का ये पुराना वाला वायर था, ये पुराना वाला वायर था, ये मैं निकल के ये कनेक्शन सेम पोजीशन पर मैं किया है। और दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये सीआरटी मॉनिटर का ये कॉइल है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पीसीबी मैं लगाता हूँ, अब ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल सा पीसीबी है। देखिए ये हॉरिजेंटल सेक्शन का दो बड़ा वाला पीएफ है, एक 1600 वाला और एक 400 वोल्ट वाला पीएफ है। तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पीसीबी अलग होता है। तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पीसीबी इस पर 4, 5, 6 भी पीएफ देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हॉरिजेंटल जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है और ये जो ईएसटी है ये सेक्शन पर, ठीक है दोस्तों। तो हॉरिजेंटल का ये कॉइल भी अलग होता है, ठीक है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास एक कॉइल है दोस्तों। देखिए ये अल्ट्रा स्लिम का कॉइल है, ये अल्ट्रा स्लिम का एक पिक्चर ट्यूब है। और ये जो अल्ट्रा स्लिम का पिक्चर ट्यूब होता है, इसका जो योक कॉइल ये स्क्वायर जैसा होता है दोस्तों, आप देख लीजिए ये स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है दोस्तों। इस पर ये जो योक कॉइल होता है, इस पर ये पीसीबी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको अलग पीसीबी यूज़ करना होगा। तो ठीक है, मैं ये वायर में टोटली कनेक्शन किया है योक पर। और देखिए इस पर जो जो कनेक्शन है एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो कनेक्शन पॉइंट देखा जाता है, देखिए इस पर ये जैक सेम लग जाएगा, ये उल्टा सीधा नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह कनेक्शन काट दीजिए, ये मैं कनेक्शन काट दिया है। और उसके बाद ये रेड वायर जो होता है दोस्तों, देखिए ये ईएसटी का पास जिस पीसीबी पर 10-10 ईएसटी यूज़ होता है दोस्तों, इस तरह अलग पॉइंट देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये नीचे वाला पिन पर अब जब कनेक्शन करे तो पिक्चर ट्यूब का दोनों साइड छोटा होता है, और उसके उसका ज़्यादा और करना चाहिए तो उसके बाद ये पिन पर दो नंबर पिन पर लगाए, और उसका और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहता हो तो उसके बाद ये पिन पर लगाए। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप पिन दिया गया है, ये पिन ये स्टिक के साथ ही कनेक्ट है। तो जब सीआरटी मॉनिटर कॉइल का योक कॉइल का कनेक्शन करेगा तो सबसे नीचे वाला पिन के साथ आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और अब ऊपर वाला पिन के साथ कनेक्ट कीजिए तो पिक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उसका साथ ईएसटी भी बहुत ही हाई ऑसिलेशन होगा। इसी के लिए आपका ये पिक्चर ट्यूब के ऊपर चर्चर बहुत आवाज दिखा जाएगा और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी के लिए और एक भी आपको सेफ्टी यूज़ करना होगा कि आप इस पर जब सप्लाई देगा तो एक ज़रूर 200 वाट सीरीज लैंप यूज़ करें। तो दोस्तों देख लीजिए, ये पीसीबी का मैं ये फाइनल एनोड में सेफ कनेक्शन किया है, और उसके बाद ये पीसीबी के साथ जो नया सेंसर पैनल होता है वो आप कनेक्शन कर दीजिए। ये मैं कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ जो न्यू एसी सप्लाई वायर होता है वो मैं कनेक्शन काट देता हूँ। दोस्तों देखिए न्यू कनेक्शन, न्यू वायर दोस्तों। ये कनेक्शन देखिए, ये जो फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ का पास आप कनेक्शन दीजिए। और इस ये साइड और एक भी कनेक्शन है, ये डिगोसिंग कॉइल का, दोस्तों इस पर एनटीसी यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूज़ का पास जो पॉइंट होता है, इस पर आप एसी कॉर्ड कनेक्शन काट दीजिए। तो दोस्तों फाइनली ये मैं इसे कनेक्शन किया, हॉरिजेंटल वर्टिकल योक कॉइल का कनेक्शन, ईएसटी का फाइनल एनोड और ये सेंसर पैनल कॉर्ड में अभी ओपन करके रखा है। और दोस्तों यार एक बात, ये देखिए इसका जो बड़ा बेस था, मैं वो बेस ओपन किया, ओपन करने के बाद एक छोटा सा बेस लगाया, ये स्मॉल नेक वाला बेस होता है, ठीक है। और इसका साथ ये बेस था, ये मैं चेंज किया है। तो दोस्तों जब मार्केट से आप पीसीबी खरीद करें तो आप ये देख के खरीद करें कि आपका जो पिक्चर ट्यूब वो स्मॉल नेक वाला है कि और बिग नेक वाला है। इस तरह पीसीबी मार्केट पर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं जो मेरा पास ये पीसीबी मिला है मैं लेके आया, तो तब भी मैं इस पर ये लगाया। और ये बोर्ड लगाने का समय, ये जो नेगेटिव का जो कनेक्शन पिन दिख रहे हो, ये इस साइड पर था,
तो इसलिए मैं ये पिन को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद इधर तो यह दो चार नेगेटिव लाइन है, तो इस पर मैं ये अलग लगाया। तो दोस्तों जब ये छोटा वाला बेस लगाएगा तो दोस्तों आप ये बहुत छोटा वाला बेस का अलग अलग पिन साइज होता है, तो इसलिए आपको यही बताना होगा कि जो आप मार्केट चाइना चासिस का स्मॉल नेक वाला बेस चाहिए तो वो बेस इस पर सेम टू सेम लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो पिक्चर टेप के साथ जो नेगेटिव होता है दोस्तों, देख लीजिए ये नेगेटिव, ये बेसबोर्ड पर फर्स्ट लगा दीजिए। लगाने के बाद ये बेस को धीरे से लगाए। ये कंप्लीट लग गया है और दोस्तों उसका बाद मैं एसी कॉर्ड तो कनेक्शन कर दिया। उसका बाद मैं टीवी पर सप्लाई दे देता हूँ, मैं सीरीज लाइन से ही देता हूँ 200 वाट लैम्प सीरीज देकर। दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा सीरीज बोर्ड है, तो मैं सीरीज बोर्ड पर लाइन दे देता हूँ, सेट ऑन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इंडिकेटर जल गया और ये ऑन हो गया है, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। दोस्तों आप देख लीजिए ये जो बेस्ट ऑफिशन का लिखा है, कंपनी का पीसीबी का जो बेस्ट ऑफिशन लिखा है, ये बहुत बड़ा हो गया है, स्क्रीन का दोनों साइड बहुत बड़ा हो गया है। और हाइट जो होता है ऊपर और नीचे जो हाइट, ये भी बहुत छोटा है। तो दोस्तों ये पोजिशन का ध्यान दीजिए, यह हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो सर्विस मोड ओपन करके। ठीक है, और दोनों साइड जो बड़ा हो गया है ये सर्विस मोड से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसीलिए ये देखिए ये हॉरिजेंटल आउटपुट जो सेक्शन, ये कॉइल का जो कनेक्शन होता है, इस पर आप इस टाइप का कॉइल यूज़ कर सकते हो और दो कॉइल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो पहले से ही था। और दोस्तों अलग चॉपर एक मिलता है आउटपुट सेक्शन के लिए, जो अलग इस टाइप स्टॉपर मिलता है, जो हॉरिजेंटल सेक्शन के लिए अलग एक स्टॉपर मिलता है, जो ESD के साथ कुछ कुछ पीसीबी साथ आप देखे वो कनेक्शन है। तो हॉरिजेंटल ये कॉयल सप्लाई ये कॉयल से सीरीज करके दिया जाता है, तो वो दीजिए तो ये जो साइज होता है ये साइज एडजस्ट हो जाएगा। उसका बाद ये सामान आपका पास नहीं है तो अब ये देखिए ये पीसीबी का नीचे जो दो लाल वाला पीएफ देखा जाता है, 1600 वाला और 2KB वाला पीएफ देखा जाता है, ये आपको चेंज करके देख सकते हो, थोड़ा सा ये पिक्चर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इस पर एक पीएफ है, ये पीएफ का वैल्यू ये पूरे प्रिंट है, आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 1600 वाला पीएफ है और ये पीएफ का जो वैल्यू होता है ये देखिए 1600 वोल्ट 912J। ठीक है, सॉरी 912J, एक्चुअली ये 9.1K का पीएफ है। ठीक है दोस्तों, ये 9.1K का पीएफ है, ये पीएफ वैल्यू आप थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं ट्राई करके एक बार देखूंगा। देखिए मेरा पास एक पीएफ है, ये देखिए ये पीएफ का जो वैल्यू है एक बार देख लीजिए, क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए ये 1600 वाला 1600 वोल्ट वाला पीएफ है और ये 6.8K का पीएफ है, ये बहुत ही लो वैल्यू का पीएफ है।
तो दोस्तों इस तरह बहुत कुछ पीएफ होता है, आप देख सकते हो ये जो पीएफ आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए इस पर जो ये 1.6 K का वोल्टेज पीएफ और ये 8.6 K का पीएफ है। दोस्तों इस पर तो 9.1 K का पीएफ है, तो इसलिए इसी से लो वैल्यू का पीएफ आप लगा के टेस्ट कर सकते हैं। लगा के दोस्तों देखिए ये मैं नीचे साइड से पीएफ लगाया और ऊपर साइड से आप देख लीजिए इसका जो 1600 वोल्ट वाला जो पीएफ होता है, ये देखिए 9.1 K का पीएफ ये मैं ओपन किया है और मैं आपको डायरेक्टली टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये लगाने के बाद मैं लाइन देखिए एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए मैं ट्यूब पर लाइन दे दिया है और स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो बेस्ट फिशन का लिखा, ये दोनों साइड बहुत ही कम हो गया है लेकिन तब भी एडजस्ट नहीं है, तो ठीक है। मैं ये देखिए ये दोनों का फर्क, पहले ये और ज़्यादा बड़ा था, तो ठीक है। ये पीएफ को मैं ओपन करके एक बार मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बूस्ट पीएफ का जो वैल्यू ये आपका सामने मैं ओपन करता हूँ, देखिए 6.8 K का पीएफ है कि 6800, ठीक है, 6.8 K का पीएफ है। तो उसी से थोड़ा सा कम मेरे पास एक पीएफ है 6.2 K का पीएफ है, ठीक है दोस्तों। ये एक पीएफ है 6.2 K का पीएफ, ये मैं एक बार लगा के दिखता हूँ और इसी से एडजस्ट हो जाएगा तो अच्छा होगा, और नहीं होगा तो इसी से लो वैल्यू का पीएफ आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो 1600 वोल्ट ये वैल्यू मेंशन करके ही आपको लगाना होगा, नहीं तो और भी अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना। और दोस्तों ये पीएफ काफ़ी ओपन करके सेट पर लाइन नहीं दीजिए, ये ओपन करके लाइन दीजिए तो आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाएगा और हाई स्पार्किंग होने का बजाय पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है मैं ये 6.2 K वैल्यू का एक पीएफ 1600 PF में लगाया, लगाने के बाद मैं लाइन देता हूँ, मैं लाइन दे दिया है और पिक्चर को एक बार फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए ये और भी दोनों साइड छोटा हो गया, बेस्ट विशन का ये लेखा लगभग आ गया। और दोस्तों और ये एडजस्ट करना चाहिए, तो मेरा पास इसी से लो वैल्यू का पीएफ अभी नहीं है तो मैं दूसरा एक तरीका यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों फिर भी देख लीजिए मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, मैं सेट पर लाइन ऑफ कट दे दिया है और ये पीएफ तो मैं रखा है और ये देखिए मेरा पास ये जो कॉइल है ये पहले से ही लगाना था। तो दोस्तों ये कॉइल कहाँ से मिलता है, ये आप सबसे नहीं मिलेगा ये कॉइल, आप एक कंप्यूटर पीसीबी एक ले ली देख लीजिए, ये मेरा पास एक कंप्यूटर का पीसीबी मॉनिटर का पीसीबी है, इस पर ये कॉइल आप देख सकते हो, इस टाइप एक पीसीबी से ये कॉइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कॉइल में ये जो हॉरिजेंटल का जो कनेक्शन ये कनेक्शन होता है आप देख लीजिए, ये जस्ट टेस्ट करने के लिए हल्का सा रंग करके रखा है, ये इधर ओरिजिनल का ये पिन और ये कोई भी एक पिन पर ये कॉइल लगा सकते हो। तो दोस्तों ये मैं सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए दिखाता हूँ, देखिए कॉइल मैं लगा दिया है और ये जो रेड वाला वायर ये इस पिन का साथ मैं लगा देता हूँ, लगा दिया है और दोस्तों देखिए ये ये मैं लगा के रखा है, उसके बाद मैं टी पर एक बार लाइन दे देता हूँ, मैं लाइन दे दिया है दोस्तों, स्क्रीन पर एक बार फॉलो कीजिए, देखिए ये बेस्ट फिशन लिखा ये बहुत ही एडजस्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो और भी छोटा करना चाहता हो तो दोस्तों ये जो कॉइल होता है ये कॉइल का और भी अलग तार लेके इसका जो ट्रान होता है
ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और अलग अलग भी कॉइल मिलते हैं, वो कॉइल एक एक करके लगा के ट्राई कीजिए तो वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये अलग तरीका मैं आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसका बाद इसका जो ये हाइट लो है ये मैं एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सर्विस मोड ओपन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं सेट पर लाइन ऑफ कर देता हूँ, और आप अच्छा करके देख लीजिए, आप अच्छा करके देख लीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर ये फल नहीं देखा जाता है, तब भी आपको ये वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो हाइट, ये हाइट सॉरी मैं सेट ऑफ कर दिया है, हाइट सर्विस मोड ओपन करने का बाद फुल एडजस्ट अप करने का बाद तब भी वो हाइट पूरा एडजस्ट नहीं होगा, तो क्या करेगा? तो ये प्रॉब्लम कुछ कुछ पीसीबी से आता है। तो दोस्तों मार्केट जो चाइना पीसीबी होता है उस पर आपको ध्यान से देखना होगा। ये देखिए ये जो वर्टिकल का जो ये कॉइल का जो पॉइंट है, ये नीचे वाला वर्टिकल का पॉइंट और ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है। तो ये वर्टिकल आउटपुट ये तो पॉइंट है, तो ये पिन से देखिए इधर एक जम्पर है, ठीक है, और देखिए और इस पर एक गैप देखा जाता है गैप। तो आप जब पूरा हाइट एडजस्ट नहीं होगा तो ये जो गैप होता है ये गैप को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, तो वो जो हाइट और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये लाइन को आपको और भी ध्यान से देखना होगा, आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये देखिए ये जो वर्टिकल आईसी ये मिडिल वाला नेगेटिव पिन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, और ये देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हो एक कैपेसिटर है, यह आउटपुट लाइन का साथ कनेक्शन है। देखिए यह कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये पॉजिटिव पिन है, ये नेगेटिव पिन है, यह 1000 mAh का कैपेसिटर है। देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन यहाँ से ये नेगेटिव किया जाता है, और इस पर एक रेजिस्टेंस यूज है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक जम्पर देख सकते हो, देखिए इस पर एक रंग करने का पॉइंट दिया गया है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक अलग रेजिस्टेंस दिया गया है। तो दोस्तों अब ये पॉइंट को शॉर्ट कट दीजिए तो ये जो हाइट लेस प्रॉब्लम ये क्लियर हो जाएगा और हाइट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप जो जो पीसीबी होता है ये लास्ट ये जो वर्टिकल का जो दो आउटपुट पॉइंट होता है ये लाइन को आप ट्रैक कीजिए। तो इधर भी अब एक शॉर्टिंग पॉइंट आपको देखना मिलेगा, या आप शॉर्ट कट सकते हो। तो पहले आप सर्विस मोड ओपन करके एडजस्ट कर दीजिए, आसानी से एडजस्ट हो जाएगा तो अच्छा, नहीं तो उसके बाद आपको ऐसे ही सेट करके हाइट बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आइए सर्विस मोड ओपन करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हाइट, ये हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको क्लियर करके दिखा था, देखिए ऊपर नीचे बहुत गैप है, तो इसलिए आपको सर्विस मोड ओपन करना होगा। ये जो गैप दिख रहा है सर्विस मोड ओपन करना होगा। तो दोस्तों सर्विस मोड ओपन करने का समय, तो दोस्तों इसका साथ जो रिमोट मिला है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेस्ट ऑफिसन कंपनी का रिमोट है, और इस पर कोई सर्विस की नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका जो सर्विस मोड ओपन करने के लिए दोस्तों ये देखिए पैनल, ये पैनल में ओपन करके रखा है, ये पैनल का ये जो वॉल्यूम माइनस, ये वॉल्यूम माइनस बॉटम को पुश करके रखना होगा, और उसका साथ ये रिमोट का, ये देखिए ये रिमोट का एक ये डिस्प्ले जो बॉटम है, देखिए ये जो डिस्प्ले बॉटम, डिस्प्ले और लॉग लिखा है, ये बॉटम को पुश करना होगा। पुश करने के बाद सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अलग एक तरीका है, मार्केट पर इस टाइप एक रिमोट मिलता है दोस्तों, ये रिमोट देखिए ऑलमोस्ट वर्क ऑन 200, ठीक है, और SNY 114 ये रिमोट का नंबर है दोस्तों। इस टाइप रिमोट 200 N1, 150 N1 और 57 Yellow कोई भी रिमोट लेके आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये रिमोट पर देखिए ये इसकी लिखा है हाइड हिडन की है, ठीक है दोस्तों, ये आप पुश करेगा तो ये यहाँ से सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पुश करने का एक तरीका है, ये जो की होता है ये की को आप कोई भी इस टाइप लेके ये पुश करेगा तो सर्विस मोड ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस पर से बेस्ट ऑफिसन का ही लिखा है, अब देखिए तो मैं सर्विस मोड ओपन कर लेता हूँ। तो
एक रिमोट लेके मैं एक हाथ से कैमरा करता हूँ, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए मैं यह पुश कर पुश किया है और दोस्तों स्क्रीन पर देखिए फैक्ट्री लिखा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्री लिखा आ जाएगा, ये सर्विस मोड होता है। तो दोस्तों ये सर्विस मोड एडजस्ट करने का समय दोस्तों ये ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए इस सर्विस मोड इस तरह ओपन करेगा तो एडजस्ट करने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों फिर भी मैं सर्विस मोड को हटा देता हूँ। दोबारा पुश करने के बाद एक चार्ट आ जाएगा और फिर भी मैं ये दबाता हूँ। दबाने के बाद दोस्तों ये नॉर्मल सर्विस मोड हट जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो सिग्नल दे सकते हो एडजस्ट करने का समय, और आप ऑटो मोड पर काट सकते हो कि ऑटो मोड पर जब पड़ेगा तो वो झिलझिल करके ये डिस्प्ले पर शो होगा। दोस्तों मैं देख लेता हूँ ये टीवी भी बॉटम पुश करके। देखिए दोस्तों मैं ऑटो मोड पर किया है। ठीक है, मैं ऑटो मोड पर किया है, आपको क्लियर कर एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों ये AV1 और AV2 और ये ऑटो मोड हो गया है। ऑटो AV1 देखिए, ऑटो AV2 और AV1 ही शो होता है, क्योंकि इसका सर्विस मोड का अंदर कंपनी से ही सेट किया है। और ये ऑटो जो सर्चिंग मोड RF मोड वो सर्विस मोड से ऑफ करके रखा है। तो ठीक है, मैं वीडियो लाइन देख के दिखाता हूँ, मैं वीडियो लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए वीडियो आ गया, तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो को मैं पुश कर देता हूँ, अलग एक वीडियो देता हूँ। ये दोस्तों सिनेमा स्कोप है, इसलिए मैं फुल स्क्रीन जो होता है वो भी एक वीडियो दे देता हूँ। देखिए मैं ये वीडियो दे दिया है और ये पुश कर दिया है। दोस्तों अब देख लीजिए, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड का एडजस्ट करूँगा सर्विस मोड ओपन करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं सर्विस मोड ये जो एस की हाइडन की ये एक बार पुश किया है और फैक्ट्री लेकर आ जाएगा, और उसके बाद अरे भी पुश करता हूँ। पुश करने के बाद एक चार्ट आ जाएगा, उसका बाद दोस्तों देखिए एक चार्ट आ गया, और मैं रिमोट से 1 पुश करता हूँ। ये देखिए 1 जब मैं पुश किया है, अब देखिए इस पर वर्टिकल साइज और हॉरिजेंटल जो साइज आप ये एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अप डाउन करने के लिए ये देखिए चैनल प्लस माइनस करके अप डाउन कर सकते हो, और वॉल्यूम प्लस माइनस करके ये वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैं वी साइज को एडजस्ट करता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए मैं वी साइज सिलेक्ट किया है और ये बड़ा देता हूँ। देखिए ये मैं बड़ा हो गया है, और वी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अच्छा करके एडजस्ट करने के लिए। देखिए अब पूरा मैं एडजस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। और ये पिक्चर मैं सर्विस मोड हटा देता हूँ, क्योंकि इसका जो हिडन की होता है, हिडन की को मैं एक बार पुश किया है, उसका नकल देखिए दोस्तों ये पूरा चार्ट हट गया है। तो ठीक है, मैं वीडियो एक बार प्ले कर देता हूँ। देखिए वीडियो प्ले कर दिया है। तो दोस्तों ये तो इंस्टॉल करने का तरीका मैं क्लियर कर दिया है, और ऐसे ही हाइट एडजस्ट नहीं होगा तो मैं जो बताया ये वर्टिकल सेक्शन पर जो जो कनेक्शन करके मैं बताया वो आप कनेक्शन कर दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये कनेक्शन करने के बाद नहीं होगा तो आप इसका जो मेमोरी होता है ये मेमोरी आप चेंज करके एक नया मेमोरी ब्लैंक मेमोरी लगा दीजिए, तो और ज़्यादा हाइट बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात, ये जो कनेक्शन मैं टोटली दिखाया इसके ऊपर कोई भी आपको डाउट हो जाए, कोई भी सेक्शन के ऊपर डाउट हो जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग जो वीडियो में बना के रखा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर लिंक दे देगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो मॉनिटर का योग ये पहले से ही कन्वर्ट करके रखा है। तो दोस्तों ये मॉनिटर योग कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके ऊपर मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो है, ये भी आप देख सकते हो। और ये और उसी वीडियो में ये कॉइल कैसे एडजस्ट किया जाता है और 2-3 कॉइल कैसे लगाया जाता है इसके ऊपर भी क्लियर बहुत वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और
इस पर जो ईएसटी सेक्शन का पास एक चॉपर यूज करके ये जो दोनों साइड जो होता है एडजस्ट किया जाता है, वो भी मैं वीडियो बना के रखा है, एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये अलग तरीका से ये दोनों साइड एडजस्ट करके आपको दिखाया। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और दोस्तों ये जो 69 कंपनी का टीवी है, और ये जो मैं पीसीबी लगाया, ये बेस्ट एविशन का पीसीबी है। तो दोस्तों ये बेस्ट एविशन कंपनी का जो लोगो, ये नाम आप चेंज कर सकते हो। तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उस पर मैं लिंक दे दिया, आपको लिंक क्लिक करके आप ये देख सकते हो।